हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वर्जीनिया वुल्फ के फेमस नोवेल दी वेव्स की समरी और एनालिसिस हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। ये नोवेल 1931 में पब्लिश्ड हुआ था। ये वर्जीनिया का 7th नोवेल है। ये नोवेल 9 चैप्टर्स या सेक्शन में डिवाइड हैं, जिनका कोई नंबर या टाइटल नहीं है। हर एक सेक्शन का फॉर्मेट सेम है। इस नोवेल में वर्जीनिया वुल्फ ने मॉडर्निज्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का प्रयोग किया है। एक्चुअली ये जो नोवेल है द वेव्स, ये 6 दोस्तों की लाइफ की स्टोरी है। और ये 6 दोस्त हैं। पहला दोस्त है बर्नार्ड, दूसरा है नेविल, तीसरा है लुइस, और 3 फ्रेंड्स हैं जिमी, नेक्स्ट है सुसेन और लास्ट है रोडा। नोवेल को 9 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन दिन के किसी एक वक्त से जुड़ा है और सिंबॉलिकली ये कैरेक्टर्स की लाइफ के 6 के एक पीरियड से भी जुड़ा है। हर सेक्शन की शुरुआत इस सिंबॉलिक डे के डिटेल डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट फर्स्ट सेक्शन। तो इसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो अर्ली मॉर्निंग या चाइल्डहुड से डील करता है, जब सभी 6 मेन कैरेक्टर एक डे स्कूल को एक साथ अटेंड करते हैं। हर बच्चा जब जागता है तो वो एक इंटीरियर मोनोलॉग बोलता है, जिसमें उसके विचार, उसकी फीलिंग्स वगैरह सब शामिल हैं। ये बच्चे आपस में कई तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और हर कोई दुनिया के हिसाब से और एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन से एक अलग ही शख्सियत बनता है। इन बच्चों के विचार स्पष्ट नहीं हैं और ये अब चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस पर ही आधारित हैं, पर धीरे धीरे इनकी पर्सनैलिटी जो है वो हमारे सामने आने लगती हैं। बर्नार्ड में लैंग्वेज के प्रति एक जुनून है, नेविल में ऑर्डर और ब्यूटी की इच्छा है, लुई में महत्वाकांक्षा और असुरक्षा की भावना है, जिनी में फिजिकलिटी की भावना है, सुसेन में नेचर के प्रति लगाव है और रोडा में सामान्य जीवन के सपनों का एब्स्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट सेक्शन एंड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। तो सेकंड सेक्शन जो है वो है एडोलसेंस। जब लड़के और लड़कियों को अलग अलग बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है तो बर्नार्ड, लुइस और नेविल जो हैं वो अपने बोर्डिंग स्कूल की अथॉरिटी, उनके ट्रेडिशन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं और वे परविकल नाम के एक सुंदर नौजवान से दोस्ती करते हैं, जो नोवेल के सभी मेन कैरेक्टर्स की लाइफ में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। तीनों लड़कों में लिटरेरी एम्बिशंस भी डेवलप होती हैं, पर उनके गोल्स, उनके एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं। वहीं लड़कियां ये चाहती हैं कि ये स्कूल जल्दी ख़त्म हो जाए, जिनी सोसाइटी में अपनी रियल लाइफ स्टार्ट करना चाहती है, सुसेन अपने पिता के साथ अपने फार्म हाउस में लौटना चाहती है, रोडा को स्कूल में एक मेंटल सॉलिट्यूड अकेलापन ही मिला है, वो इससे बचना चाहती है। इस सेक्शन के एंड तक हर करैक्टर कोई ना कोई राह पकड़ लेता है, चाहे वो कॉलेज की हो या काम की। यानी कि कुछ करैक्टर आगे कॉलेज ज्वाइन करते हैं और कुछ करैक्टर काम करना शुरू कर देते हैं। अब हमारा है थर्ड चैप्टर, थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में करैक्टर्स एडल्ट हो गए हैं। बर्नार्ड और नेविल जो हैं ये कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं और बड़े ही क्लोज फ्रेंड हैं। दोनों परविकल को एडमायर करते हैं, पर नेविल उससे प्यार करता है और वो इस बारे में बहुत सोच विचार करता है। बर्नार्ड को अपने ही शानदार स्वभाव से टेंशन है और वो इस बारे में विचार करता है
कि उसकी पर्सनैलिटी दूसरों के साथ उसकी रिलेशनशिप पर तय करती है। नेविल बर्नार्ड को अपनी लिखी हुई एक पोयम दिखाता है और ये जो पल है दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारा तीसरा करैक्टर है जिसका नाम था लुइस, लुइस लंदन की एक शिपिंग फार्म में मिड लेवल क्लर्क के रूप में काम करना शुरू कर देता है। वो अपने लंच टाइम को पढ़ने में और लोगों को ऑब्जर्व करने में यूज करता है। सुसेन जो थी वो अपने फार्म हाउस पर अपने घर पर है और नेचुरल लाइफ के साथ इंजॉय कर रही है। वो सुबह होने से पहले ही खेतों में घूमती है। और लंदन में जिमी और रोडा दोनों सेम पार्टी अटेंड करती हैं पर उनके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। जिनी सोशल सेटिंग में पूरी तरह इंजॉय करती है और अपने आसपास के वातावरण और अपनी पर्सनल अट्रैक्टिवनेस में बहुत इंजॉय करती है। दूसरी तरफ रोडा अपने आप को नेगलेक्ट फील करती है और वो पार्टी से जल्दी ही गायब होने की इच्छा रखती है। यहाँ हमारा थर्ड सेक्शन एंड होता है। अब हमारा है फोर्थ सेक्शन। तो फोर्थ सेक्शन अडल्टहुड के लेटर पार्ट में सेट है और एक डिनर पार्टी के बारे में है जो कि परसीवल के सम्मान में दी गई है, क्योंकि वो इंडिया में एक इंडिया की कॉलोनियल गवर्नमेंट में एक जॉब को ज्वाइन करने जा रहा है। पार्टी में सभी छह करेक्टर्स इकट्ठे होते हैं। पहले तो सभी एक दूसरे के साथ टेंस फील करते हैं और एक दूसरे के डिफरेंस पर ध्यान देते हैं, पर जब परसीवल आता है तो उनकी आपसी टेंशन दूर हो जाती है और वो एक पल के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं। बाद में वापस पूरा ग्रुप अलग अलग हो जाता है। यहाँ हमारा फोर्थ सेक्शन एंड होता है और अब हमारा फिफ्थ सेक्शन स्टार्ट होता है। फिफ्थ सेक्शन डिनर पार्टी के कुछ समय के बाद ही होता है, जब फ्रेंड्स को पता लगता है कि परसीवेल जो है उसको इंडिया में मार दिया गया है। बर्नार्ड इस खबर से पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब उसे मौत और जीवन के सच का पता चलता है। बर्नार्ड वैसे खुशी और गम के बीच में है, अभी अभी उसका बच्चा पैदा हुआ है और एक तरफ उसका दोस्त अभी अभी मरा है। बर्नार्ड एक म्यूजियम में जाता है जहां जाकर उसे शांति प्राप्त होती है। रोडा को भी ऐसी ही शांति संगीत में प्राप्त होती है। वो परसीवेल की डेथ के बाद एक ओपेरा में जाती है। यहां पे हमारा फिफ्थ सेक्शन एंड होता है और अब हमारा स्टार्ट होता है सिक्स सेक्शन। सिक्स सेक्शन में सभी करेक्टर्स मैच्योर हो चुकी हैं। लुई जो कि अपनी फर्म में बहुत कामयाब हो रहा है, पर लुई एक दोहरा जीवन जी रहा है। अब वो एक प्रतिष्ठित व्यापारी है पर वो सारा दिन पड़ोस की गरीब बस्तियों में घूमता रहता है। लुई और रोडा आपस में लवर बन गए हैं, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। सुसन एक माँ है पर वो अपनी चुनी हुई लाइफ से फुली ग्रेटिफाइड है। एक तरफ वो नेचर लाइफ के साइकिल का हिस्सा है, दूसरी तरफ वो अपने उसका जीवन अपने बच्चों और फार्म हाउस के जीवन पर आधारित है। जिनी नए नए प्रेमियों को पाती है पर वो अपनी लाइफ में कभी भी सेटल नहीं हो पाती है। नेविल भी बार बार प्रेमी बदलता रहता है पर वो अपने पहले लवर की डिजायर को जिंदा रखता है ताकि उसकी क्रिएटिविटी बनी रहे। सेवन सेक्शन में सभी करेक्टर मिड लाइफ की तरफ पहुंच चुके हैं। बर्नार्ड ने रोम की यात्रा में वहां के खंडर देखे। बर्नार्ड रोम की यात्रा में वहां के खंडर देखता है और उन खंडरों को देखकर अपने फ्यूचर अपने फेलियर को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे अपनी एबिलिटी पर शक होने लगा है। सुसेन अपने घरेलू और ग्रामीण जीवन में पूरी तरह से डूब चुकी है।
नेविल एक कामयाब राइटर बन गया है, अब वो कुछ समझ चुका है, पर वो अभी भी प्रेमी बदलता रहता है। प्रेमिकाएं उसकी बार बार चेंज होती रहती हैं। लुई बिजनेस में कामयाब है, पर फिर भी वो लिखने के लिए एटिक रूम का सहारा लेता है। रोडा लुई को छोड़कर स्पेन चली गई है। जिनी एक डरावने पल में ये देखती है कि वो बूढ़ी हो रही है और उसकी सुंदरता खत्म हो रही है। फिर वह अपने आप को समझाती है और बचे हुए जीवन के पलों को अच्छा बनाने की सोचती है। सुसैन जो है वो पहले भी लाइफ से ग्रेटिफाइड थी और अभी भी वो अपनी लाइफ में पूरी तरह एंजॉय कर रही है। उसको अपने लाइफ में संतोष है। और रोडा जो है वो स्पेन लुई को छोड़कर जब स्पेन जाती है तो वहां उसका मौत से भी आमना सामना होता है, जब वो पहाड़ की चोटियों से समुद्र को देखती है। इसके बाद है हमारा 8 सेक्शन, और 8 सेक्शन के अंदर सभी दोस्त वापिस एक डिनर पार्टी के लिए इकट्ठे होते हैं, पर अब इस डिनर पार्टी पर मौत की परछाई है क्योंकि सब बूढ़े हो चुके हैं और परिवल भी अब नहीं है। पिछली मीटिंग की तरह अब भी दोस्तों में टेंशन है, पर अब वे अपने अनुभवों को बताते हैं तो टेंशन दूर हो जाती है। करेक्टर्स अब ये समझ चुके हैं कि ये मीटिंग भी एक तरह का अनुभव है और वो साइलेंट कम्यून करते हैं, पर ये पल थोड़ा दुखद है। रोडा और लुईस कुछ पल साथ गुजारते हैं जब बाकी जने पार्क में घूमते हैं, और यहाँ हमारा 8 सेक्शन एंड होता है। अब हमारा है 9th और फाइनल सेक्शन। ये सेक्शन पूरी तरह से बर्नार्ड जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर लिखा गया है। बर्नार्ड डिनर में एक प्रीची से बातचीत करता है और शॉर्ट में अपनी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करता है। बर्नार्ड को हमेशा ये शक रहता है कि लैंग्वेज कभी भी रियलिटी वास्तविकता के बारे में नहीं बता सकती है। बर्नार्ड हमें दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में भी बताता है कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये भी बताता है कि रोडा ने, जो रोडा कैरेक्टर थी, उसने सुसाइड कर ली है। अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पल बर्नार्ड वो मानता है जब वो लैंग्वेज के बिना ही रियलिटी को स्पष्ट रूप से देख और समझ सकता है। अंत में बर्नार्ड अपनी लाइफ को डेथ के प्रति फाइट में लैंग्वेज के यूज में स्ट्रगल के रूप में देखता है। वो ये भी देखता है कि बाकी सब करैक्टर भी अपने अपने तरीके से इसी स्ट्रगल के एक हिस्से हैं। बर्नार्ड ये कसम खाता है कि वो अंत तक इस स्ट्रगल को करता रहेगा, और यहीं पर हमारा ये जो नोवेल है ये एंड होता है। फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।